आजकल आपने सबसे ज्यादा किसी चीज का ट्रेंड देखा होगा तो वो है टेस्ला इंडिया। जी हाँ, आखिरकार इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी टेस्ला के इंडिया में एंट्री हो चुकी है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी ने बेंगलुरु में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नेम से रजिस्ट्रेशन करा लिया है। टेस्ला इंडिया ने अपना पहला ऑफिस 8 जनवरी को आरओसी में रजिस्टर्ड किया है एंड वो लोग यहां से ही लग्जरियस इलेक्ट्रिक कार्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इंडियन मार्केट टेस्ला की एंट्री के लिए काफी एक्साइटेड है, तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्ला की कौन सी कार इंडिया में आएगी एंड उसकी कॉस्ट क्या रहेगी और बेसिकली क्या इलेक्ट्रिक कार्स बेहतर होती हैं या फिर ये एक बबल ट्रेंड है। गाड़ी बनाने वाली तो बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन फ्यूचर की गाड़ी बनाने वाली कंपनी है टेस्ला। फ्यूचर में गाड़ियां ऑटो पायलट में चलेंगी, यानी मैप में एक बार डेस्टिनेशन मार्क कर दो, कार्स अपने आप ड्राइव करके पहुंच जाएगी, जो कि टेस्ला की कार अभी से करती हैं। इलेक्ट्रिक कार्स होके भी 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सिर्फ 3 सेकंड में अचीव कर लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं, टेस्ला की SUV इतनी पावरफुल है कि वो अकेले ही पूरे एरोप्लेन को पुल कर सकती है। अब टेस्ला की कार्स फुली इलेक्ट्रिक रहेंगी, जिसकी वजह से पेट्रोल पे होने वाला खर्चा 0, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है। जब नितिन गडकरी ने ऑफिशियली टेस्ला की इंडिया में एंट्री के बारे में न्यूज दिया था, तभी से इंडियन मार्केट में ये चीज ट्रेंड करने लगी है। इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है, तो हमारी कंट्री में आउटसाइड कंपनीज के लिए भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफी चैलेंजेस भी हैं एंड इन्हीं सभी चैलेंजेस का सामना टेस्ला को भी करना पड़ेगा। टेस्ला इंडिया में अपनी टेस्ला मॉडल 3 लॉन्च करेगी। ये गाड़ी टेस्ला की सबसे सस्ती मॉडल है। US में उसकी प्राइस $38,000 है, यानी करीबन 30 लाख इंडियन रुपीस। लेकिन एस्टिमेट्स कहते हैं कि जब ये कार इंडिया में आएगी तो उसकी प्राइस करीबन 60 लाख रुपीस हो जाएगी, जो कि इंडिया के मोस्ट ऑफ पीपल्स के बजट से बाहर है। लेकिन सवाल ये है कि US एंड इंडिया का प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है? जो कार US में 30 लाख की है वो इंडिया में दुगने प्राइस में क्यों मिल रही है? तो हम आपको ये बता दें कि इंडिया में आने वाली टेस्ला की कार CBU रहेगी, यानी कम्प्लीटली बिल्ड अप, जो डायरेक्टली दूसरे कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट की जाएगी एंड रेडी कंडीशन में इंडियन मार्केट में बेची जाएगी। और ऐसे व्हीकल्स पे इंडियन गवर्नमेंट 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, जिसकी वजह से कार्स की प्राइस डबल हो जाती है। इसका एक रीज़न ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट दूसरे कंट्री को ये बोलना चाहती है कि आप अपने कार्स को हमारे कंट्री में आकर असेंबल करो तो हम आपकी इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे। लॉन्ग रन में ज्यादातर कंपनी कार्स के अलग अलग पार्ट्स लाती है एंड यहाँ आके उन्हें फुल्ली असेंबल करती है, जिससे उन पे लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी कम हो एंड इंडिया में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। तो टेस्ला के लिए प्राइस फिलहाल टेम्पररी प्रॉब्लम है। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कार्स बनती कहाँ है एंड इसका आंसर है चाइना। जी हाँ, टेस्ला की EV कार्स चाइना में बनती है, क्योंकि लिथियम जिससे कार्स की बैटरी बनती है चाइना में उसका 6th largest रिजर्व है, जिसकी वजह से एलन मस्क ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहाँ डाला हुआ है एंड चाइना की गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। फिलहाल इंडिया में लिथियम इतना ज़्यादा तो नहीं है, इवन फ्यूचर में भी हमें लिथियम बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉन्ग रन में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देंगे, जैसे कि नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले 5 साल में इंडिया दुनिया का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, तो शायद ये ड्रीम सच में पूरा भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी काफ़ी नई है, इसीलिए चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। साथ ही साथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी खुद कोल से बनती है, जो खुद एक पॉल्यूटेंट है। लेकिन लॉन्ग रन में इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल और डीजल कार से कई गुना बेहतर है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2010 में इलेक्ट्रिक कार्स के मुकाबले EV कार्स 2 times मोर एफिशिएंट थी, जो कि 2019 में बढ़ के 3 times मोर एफिशिएंट हो गई है एंड आने वाले टाइम पे और टेक्नोलॉजी आने के साथ EVS कार और एफिशिएंट होती जाएगी। अगर इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने लास्ट ईयर
728,120 करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। सो ईवीएस के जरिए हम फ्यूल कंजप्शन को कम कर सकते हैं एंड इस तरह हम एटलीस्ट 300 बिलियन तक सेव कर सकते हैं एंड इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे इंडिया के लिए एक गुड न्यूज़ है। एंड टेस्ला के इंडिया आने से भी एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि क्या पता अगली टेस्ला हमारे खुद की कंट्री से हो। टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी ईवीएस मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर चुकी है। टाटा की नेक्सॉन ईवी टेस्ला जितनी तो फ्यूचरिस्टिक नहीं है लेकिन इंडियन मार्केट के हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल एंड बेस्ट है एंड इसी चीज़ का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हो। फ्यूचर में हमें बाहर से बैटरीज इंपोर्ट ना करनी पड़े इसीलिए बैंगलोर की लॉग 9 कंपनी ने ऑलरेडी एल्युमिनियम फ्यूल सेल्स बनाना भी चालू कर दिया है। यानी भारत की अलग अलग कंपनीज भी टेस्ला के इंडिया में आने से उसके सामने आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि चार्जिंग स्टेशन कॉस्ट लिथियम की प्रॉब्लम कम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड जिससे इंडिया में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। हमारी गवर्नमेंट भी ईवी को बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि साल 2030 तक इंडिया में 80% टू व्हीलर एंड 30% फोर व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। तो दोस्तों टेस्ला का तो पता नहीं लेकिन इंडिया का फ्यूचर इलेक्ट्रिक होने वाला है, क्या पता अगली आपकी व्हीकल भी इलेक्ट्रिक हो। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप भी अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।